हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, ये हमारी जेनरिक वर्कशीट है जो हमारी हर सैटरडे को आती है, और ये हमारी जो है बेटा 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए सेम वर्कशीट आती है सैटरडे को, ठीक है। और वर्कशीट का जो नंबर है वो है 9, और हमारा जो डेट है वो है 25 सितंबर 2021 की हमारी ये जो है वर्कशीट है, ठीक है। करना कैसे है, जैसे आपको बताई है, यहाँ पर अपना नाम लिखें और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का जो नाम है वो भी आप क्या है मेंशन करें। आज जो वर्कशीट में हमें पढ़ना है वो क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो कोविड चल रहा है आपको, तो आपको कैसे बिहेवियर करना चाहिए, किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आज की जो है आपकी वर्कशीट है। फिर क्या है कि रीड द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो, यहाँ पर जो आपके जो हैं ये भी यहाँ पर हैं, इनको हमें पढ़ना है और समझना है। अ सेट ऑफ 15 प्रोमिसेज वी नीड टू फॉलो एज अ पार्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारे ये जो है 15 है, इन्हें हमें पढ़ना है और हमें इसे फॉलो करना है, वन बाय वन हम करते रहते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है हमारा, ये कह रहा है कि ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जब कभी हम किसी मिलते हैं दोस्त से या अपनी मैडमों से, तो क्या है हम क्या दूर से उन्हें नमस्ते करें, ठीक है। तो ये बता रखा है आपको, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, हमें क्या है जो मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी है, मतलब आपस में क्या है हमें दूरी रख के बातें करनी है, ठीक है। वियर रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम, जब हम क्या है इसने बता रखा है कि जो हम घर पे जो अपने कपड़े का जो मास्क बनाते हैं ना, वो रीयूजेबल होता है, मतलब क्या है हम उसको दोबारा क्या है रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, आपको अपना जो आपका घर में जो मास्क होता है कपड़े का जो बनाते हैं हैंडमेड जो होता है, उसको आप दोबारा धोकर क्या है अच्छे से धोकर उसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। फिर क्या लिखा है कि अवॉइड टचिंग आइज़ नोज़ एंड माउथ, आपको क्या है आप अपनी आइज़ को अपनी नोज़ को माउथ को टच करने से बचना है, अवॉइड करना, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, आप रेस्पिरेटरी हाइजीन को क्या है अच्छे से करो, ठीक है। तो इसको क्या अच्छे से आप जब छींके जब कभी आती है तो आपको रुमाल रखें और उसको क्या है अच्छे से आप रेस्पिरेटरी चीज़ को अच्छे से करें, जब कोई और छींके तो क्या है आप हो सके तो पीछे हट जाइए या अपने मुँह पर मास्क लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थ्रोली, अपने हाथों को क्या है आप फ्रिक्वेंटली मतलब धोते रहिए, ठीक है, और अच्छे से धोएं आप, कहीं जाए तब धोएं आप, ठीक है, जैसे कहीं गए हैं फिर आप बाहर से आए हैं तब आप धोएं, खाना खाने से पहले आप धोएं, ठीक है। अब ये क्या है कि रेगुलर क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच्ड सरफेसेस, जो आपके टच होने वाले सरफेसेस हैं जैसे आपका जो है गेट हो गया, जैसे आपकी टेबल हो गई, ठीक है, उसको आप क्या है बार बार क्या डिसइंफेक्ट करें, मतलब उसे क्या है आप सैनिटाइजर डाल सकते हैं या उसको कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट स्पिट इन द ओपन, आप स्पिट क्या थूकना, आप क्या खुले में बिल्कुल भी ना थूकें, ठीक है, ये वाला है आपको करना है। फिर क्या है यहाँ पे देखते हैं, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, अगर जितना हो सके आप जो ट्रैवल है ना करें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप ट्रैवल करें, ऐसे नहीं कि आपका मन करे आज हम यहाँ घूमना है आज हम वहाँ घूमना एकदम चल दें, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, हमें क्या है कभी भी एक दूसरे के साथ क्या है मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसको भी हमें क्या है इसको भी अपने अपने जो कोविड में है उसका भी पालन करना चाहिए। फिर क्या है डिसकरेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी, क्या है डिसकरेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी, इसको भी क्या है हमें इसका पालन करना है, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत सारी जो भीड़ हो जाए उसको क्या है हमें हमें क्या है डिसकरेज करना है कि भीड़ है आप यहाँ से हट जाइए, उनको खुद भी समझाइए और खुद भी हट जाइए, ठीक है। फिर है आपका डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई भी जैसे आप देखते हैं आपके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे क्या है आपके बहुत सारे क्या है सोर्सेज आते हैं मैसेज आते हैं, जब तक आपको पता ना हो कि ये मैसेज सही है तब तक उसे क्या है फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ठीक है, ये बता रखा है हमें। फिर क्या है कि सिक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड 19 फ्रॉम द क्रिएटेबल सोर्सेज, अब अगर आपको कोई भी क्या है इन्फॉर्मेशन जाननी है सर्च करनी है तो एक जो सोर्स होता है ना क्रिएटेबल मतलब जो विश्वसनीय सोर्स होता है उससे आप क्या है जाने, इनकी वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं यहाँ पे कोविड की उससे आप जाने, ठीक है। फिर क्या है कि कॉल नेशनल ट्रोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर फॉर एनी इंक्वायरीज, कोई भी क्वेरीज हैं आपके मत आपको कोई भी समस्या है कोई भी आपका सवाल है तो आप इस नंबर पर क्या है पूछ सकते हैं। फिर क्या है कि सिक साइको सोशल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एनजाइटी, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है आप किसी बात को एनजाइटी दुख मतलब कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए आप क्या है
कोई भी आपके मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है रूल्स हैं, मतलब एक समझ है जो आपको विकसित करनी चाहिए कि हमें इनका पालन क्या है करना चाहिए। ठीक है, तो इस पे डिपेंड हम क्या है, वे क्या है, स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अब हमें क्या क्वेश्चन करने हैं, जब हमने पढ़ा है उसके बेस पे हम क्या है क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, एवरी वन शुड अवॉइड अननेसेसरी, अवॉइड क्या करना है, ट्रैवल या फिजिकल डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, एवरी वन शुड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ट्रैवल। दूसरा है हमारा कि वी मस्ट वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थ्रोली। ठीक है, ये जो स्पेलिंग है बेटा, ये आपको यहाँ पे लिखनी है, अच्छे से देख के आप क्या है स्पेलिंग लिखिएगा। जब आप कोई पेपर देंगे ना, तो उसमें आपके स्पेलिंग का टेस्ट भी आता है। ठीक है, सी है आपका डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज क्या है, सेफ्टी। ठीक है, डिस्करेज क्राउड मतलब जो भीड़ है उसको क्या है आप डिस्करेज करें कि ऐसे भीड़ मत करो, और इनकरेज सेफ्टी, और सेफ्टी को आपको क्या है इनकरेज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेफ्टी। ठीक है, डी क्या कह रहा है आपका कि मेंटेन फिजिकल, आपको क्या है फिजिकल डिस्टेंस को क्या करना है, आपको फिजिकल डिस्टेंस को क्या है मेंटेन करना है, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका डू नॉट च्यू चॉकलेट टोबैको, क्या है टोबैको, क्योंकि ये क्या है बहुत नुकसान देता है। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से जो हमने क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। पहले एक बार और बता रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट में ट्रैवल आएगा, सेकंड में थ्रोली आएगा, फिर यहाँ पे क्या है आपका डिस्करेज, यहाँ पे सेफ्टी आएगा, डिस्टेंस एंड टोबैको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो क्या है हमारा ट्रू और फॉल्स। बच्चे अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, हमारा समझाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे वो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रू एंड फॉल्स, नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज। ये क्या कह रहा है कि कोई भी अनवेरीफाइड मैसेज है जो आपको पता नहीं कि सही है कि नहीं है, उसको सर्कुलेट ना करते, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये क्या है, आप निशान ये भी लगा सकते हैं, या आप ट्रू पूरा भी लिख सकते हैं, या आप इसके लिए टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपका मन हो। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पर ट्रू लिख देंगे इसको। ठीक है, ट्रू। कॉल नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर एनी इंक्वायरी, ये नंबर था नहीं, ये क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि नंबर कौन सा था आपका 1075, क्या था 1075 था कोई भी इंक्वायरी के लिए, तो ये क्या है आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है डू नॉट स्पिट इन द पब्लिक स्पेसेस, ये क्या कह रहा है कि पब्लिक स्पेसेस में मत थूको, तो ये क्या है बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये सही हो गया। फिर क्या है नेवर वियर फेस कवर और मास्क, ये कह रहा है कि कभी भी क्या है फेस मास्क और मास्क मत लगाओ, ये तो गलत कह रहा है, तो ये क्या है बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। और नेक्स्ट क्या है कि सिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एनजाइटी, तो क्या है इसके लिए आप क्या है साइकोलॉजिकल के लिए क्या है आप कोई भी क्या है ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका सही था, ये आपका गलत था, ये क्या है ये आपका सही है, ये आपका गलत है, और ये भी क्या है सही है। ठीक है, तो बच्चों ये आज की हमारी 6 to 8 क्लास की जेनरिक वर्कशीट है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, और वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपने इसमें जो पढ़ा है सिर्फ ये आपने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसमें क्या है आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो आप क्या है, तो आप मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।